आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल चिपेस गार्डनिंग एवर में। मैं आपका गार्डनिंग दोस्त फिर से आया हूँ एक नए फ्रेश वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिबिस्कस के पौधे पर आने वाली बहुत ही आम प्रॉब्लम के बारे में। अगर आपने हिबिस्कस का पौधा गमले में लगाया है और पौधे के पत्ते अचानक पीले पड़ने लगे हैं, साथ ही साथ पौधा मुरझा रहा है, तो आपको इस समस्या का हल तो चाहिए ही होगा, तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। मैं आपका गार्डनिंग दोस्त बताऊंगा आपको इस समस्या का केमिकल साथ ही साथ ऑर्गेनिक उपाय। मैंने भी यह उपाय अपने हिबिस्कस प्लांट पर ट्राई किए और मुझे इसके 100% रिजल्ट मिले। रिजल्ट वीडियो के एंडिंग में है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन भी जरूर दबाइए, ताकि जब भी ऐसे नए वीडियोज हम आपके लिए लाए आपको नोटिफिकेशन मिले। हिबिस्कस ही नहीं, किसी भी पौधे के पत्ते अगर पीले पड़ रहे हैं तो उसके दो मेन रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न, पानी की मात्रा। पानी की मात्रा बहुत ही कम होना या पानी की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होना एक ये रीज़न हो सकता है। साथ ही साथ दूसरा रीज़न हो सकता है नाइट्रोजन की कमी। अगर किसी भी पौधे को अगर नाइट्रोजन की कमी हुई तो उसके पत्ते ऑटोमेटिकली पीले पड़ने लगते हैं और पौधा मुरझा जाना, मर जाना, ऐसे प्रॉब्लम हमें आगे आ सकते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम पौधे में नाइट्रोजन की कमी पूरी कर सकते हैं और हमारे पौधे को मरने से रेस्क्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं केमिकल उपाय के बारे में। उसके लिए हम यूरिया फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे। यूरिया फर्टिलाइज़र का आपने नाम तो सुना ही होगा। अगर आपको यूरिया खाद के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ऊपर दिए गए आई पर क्लिक कीजिए, यह लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। नाइट्रोजन की कमी केमिकली पूरी करने के लिए हम यूरिया खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको किसी भी एग्रीकल्चर शॉप में आसानी से मिल जाएगा। यूरिया खाद का इस्तेमाल करने के लिए आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो आप पानी में मिक्स करके वो पानी आपके पौधे की जड़ों को दे सकते हैं। साथ ही साथ दूसरा उपाय है यूरिया खाद को ब्रॉडकास्ट कर देना। वीडियो में बताए हुए तरीके के अनुसार आपको यूरिया खाद को पौधे की जड़ें के पास कुछ इस तरह ब्रॉडकास्ट कर देना है और वाटरिंग कर देना है। यूरिया खाद काफ़ी आसानी से पानी में डिजोल्व हो जाता है और काफ़ी फास्ट रिएक्शन करता है और काफ़ी फास्ट रिजल्ट आपके पौधों को देता है। करीब करीब एक हफ्ते के अंदर आपका पौधा फिर से हरा भरा हो जाएगा और आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा ऑर्गेनिक उपाय। अगर आप आपके होम गार्डन, फ्लावर गार्डन को ऑर्गेनिक रखना चाहते हैं तो यह उपाय आपके लिए है। सिंपल आपको लगेगा कुछ इस तरह का पोल्ट्री खाद। पोल्ट्री खाद के बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ऊपर दिए गए आई पर क्लिक कीजिए, या लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाकर वीडियो को देख सकते हैं। कुछ इस तरह आपको पोल्ट्री खाद को मिट्टी में मिक्स कर देना है और जो पौधे की जड़ें होती है उसमें आपको जो मिट्टी हमने खाद मिक्स किया है उस मिट्टी को हमें जड़ों में डाल देना है। कुछ इस तरह आप जैसे कि वीडियो में देख सकते हैं मिट्टी को आपको जड़ों के पास ब्रॉडकास्ट कर देना है। पोल्ट्री खाद में 46% नाइट्रोजन होता है, जो किसी भी पौधे को हरा भरा रखने में काफ़ी काम आता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अगर होम गार्डनिंग करते हैं, वेजिटेबल गार्डनिंग करते हैं, फ्लावर गार्डनिंग करते हैं और उसको आप अगर ऑर्गेनिक रखना चाहते हैं तो आप ज़रूर पोल्ट्री खाद का इस्तेमाल करें। बाकी खाद के मुकाबले पोल्ट्री खाद में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस अधिक मात्रा में होता है, जो आपके पौधों को हरा भरा रखने में और अच्छे से ग्रो होने में काफ़ी मदद करेगा। जैसे कि आपने वीडियो में देखा, हमने बहुत केमिकल और ऑर्गेनिक उपाय हमारे पौधे के ऊपर अप्लाई किए और रिजल्ट आपके सामने है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा पौधा फिर से हरा भरा होने लगा है और इसको फ्लावर्स भी आने लगे हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप केमिकल उपाय भी अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ ऑर्गेनिक उपाय भी अप्लाई कर सकते हैं, रिजल्ट आपके सामने है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी जरूर दबाइए, ताकि जब भी ऐसे नए नए वीडियोज़ हम आपके लिए लाए आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।